अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर में खुश आमदीद। येस्टरडे आवर टॉपिक वॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। आपका जो ग्रुप है 4A, 5A, 6A और 7A, इसमें प्राइमरली कोवलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। और जो हमने कल डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल में पाया जाता है विच कंटेन हाइड्रोजन कंटेनिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि इनकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें कि ये चीज़ अगर हमें कन्विंस करती है दैट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A दे आर लो एज कम्पेयर टू 5A, 6A एंड 7A, ये क्यों है? बिकॉज मीथेन जो है CH4, इट इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल और इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी सबसे कम होती है। ठीक है, जब हम कंसिडर करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A, 6A और 7A तो हमें ये पता चलता है कि उनमें हाइड्राइड्स आप देख सकते हो। हाइड्राइड्स का मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें सब में हाइड्रोजन मौजूद है, जैसे कि अमोनिया और वाटर और HF। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहे हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आपको पता है कि 100 होता है। ऐसा क्यों है? एक तो ये कि वाटर में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और दूसरा ये है कि जो वाटर है ये इटसेल्फ दो और बॉन्ड्स बनाता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इसी वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। लेकिन HF, क्योंकि आप ये कहेंगे कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों है नहीं है? तो मैंने आपको कल भी डायग्राम में बताया था कि जो HF है वो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बस वो एक चेन बनाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि वाटर ने किस तरह एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जबकि यहाँ आप देखो कि HF ने सिर्फ एक चेन बनाई हुई है और इसका कोई बड़ा सारा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको ब्रेक करना आसान है और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। गाइस, अमोनिया का भी जो है अमोनिया का भी सिर्फ 1 बॉन्ड होता है पर मॉलिक्यूल, इस वजह से अमोनिया का भी बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हायर नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बिना पर HBr और HCl वगैरह इनके आपस में जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हायर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। वाटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है और सिमिलरली इथाइल अल्कोहल है, इसमें भी टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इसलिए इथाइल अल्कोहल जो है वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, और सिमिलरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो भी पानी में सॉलेबल हैं अगर उनके साइजेस स्मॉल हों। हाइड्रोकार्बन्स पानी में सॉलेबल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं और इनका कोई चांस नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो एक तरह के कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं। पोलर कंपाउंड्स पोलर में डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, और नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।